हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और यार, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ यार। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी हो रही थी सर्जरी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और आज जब मैं रिकवरी मोड पे हूँ तो मैंने सोचा अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया जाए। आप में से जो भी लोग गॉलस्टोन की बीमारी से ग्रसित हैं या जो भी गॉलस्टोन को फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर रहेगा ये वीडियो। मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, कैसे, कब मुझे पता चला, किस परिस्थिति में पता चला और मैंने क्या क्या मेंटल ट्रॉमा जो सहा है इस चीज़ को लेके, और कैसी कैसी भ्रांतियों से मैंने अपने आप को निकाला है, और लास्ट में फाइनल मैंने सर्जरी पे करवाने का क्यों सोचा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में प्लीज़ शुरू से एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले यार मैं बताता हूँ कि मुझे गॉलस्टोन का पता कैसे चला। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गॉलस्टोन जब होता है तो यार बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब तड़पता है आदमी। मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को सिंपल सा एक दिन क्या हुआ, मैं आइसक्रीम खा रहा था, मुझे यहाँ पे थोड़ा सेंसेशन हुआ। और मेरी एक प्रवृत्ति है कि मेरे को बॉडी में जब भी कोई अनयूजुअल सा होता ना, मैं डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मेरी है सिटिंग जॉब, मैं आईटी में काम करता हूँ और अपना जो फील्ड है ना, हम लोग कमा रहे हैं डॉक्टर के लिए, सिंपल सी बात है। तो मैंने डॉक्टर से जाके पूछा, मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे को, मैंने उसको सारी बातें बताई। तो डॉक्टर ने कहा है लग तो गैस ही रहा है, एक काम करो आप अल्ट्रासाउंड करा लो। मैं हर 3 महीने में अपना रेगुलर बॉडी चेकअप कराता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, लेकिन मैं पिछले 2 या 3 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। तो अब मैं गया अल्ट्रासाउंड कराने, अल्ट्रासाउंड वाले ने मेरे को ये बोला कि आपको तो स्टोन है। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया हुआ, मतलब एक चैप्टर ही छोड़ा था और पूरा आपका पूरा पेपर ही उसी से आ गया, बहुत बढ़िया। जब उसने बोला ना स्टोन है, मैं ज़्यादा घबराया नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, स्टोन है मतलब निकल जाता है, लोग तो बियर वियर पी के स्टोन निकाल देते हैं। मुझे ये नहीं पता था बॉडी में स्टोन 2 जगह बनते हैं मेनली, एक किडनी में और एक गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर नामक चीज़ मेरे को पता ही नहीं थी, मुझे सिंपल सा ये पता था कि किडनी में स्टोन बनता है। मेरे दिमाग में ये था कि बियर वियर पियेंगे निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो निकल जाएगा ना बियर वियर पीने से। तो वो अल्ट्रासाउंड वाला हंस के बोलता है कि भैया अपना निकलने का ये आपका 13 mm हो चुका है। मैंने कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं फिर भी नहीं घबराया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उससे भी पूछा। मैंने कहा यार इसके ऑपरेशन में मतलब कैसे होता है इसका ऑपरेशन। तो उसने मेरे को बोला कि आपका जो गॉल ब्लैडर है ऑपरेशन में उसको काट के निकाल देंगे। मैंने कहा है आपका गॉल ब्लैडर जो है काट के निकाल देंगे। मैंने कहा मतलब मेरा गॉल ब्लैडर तो मेरे बॉडी का पार्ट है ना। तो कह रहा है हाँ आपकी बॉडी का, उसको काट के निकाल देते हैं। मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है भाई। तो कह रहा भाई इसका ऑपरेशन ही यही है भाई। तब मेरी हालत ख़राब हुई, तब मेरे को मतलब मैं इतना स्ट्रेस में आ गया उस दिन, मैं 2 या 3 दिन शायद सोया नहीं होऊंगा। सबसे ज़्यादा मैं ये सोच रहा है कि यार ऑपरेशन होगा, मेरे को ऐसी बीमारी हो गई, एक एक बॉडी का पार्ट निकल के चला जाएगा। फिर मैं आया, आके हम जैसे लोग करते क्या है, गूगल खंगालते हैं। तो आके ले धमाधम वीडियोस देखे, गूगल एकदम छान डाला मैंने। फिर मेरे को ये पता चला कि यार ये मतलब ऑपरेशन में ये निकाल ही देना पड़ता है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। फिर भाई आदमी अल्टरनेट ढूंढता है, तो मैं भी अल्टरनेट ढूंढने लगा। मैंने कहा भाई ऐसा है कि दवाई ववाई नहीं है क्या इस चीज़ का। तो भाई मेरे को भी एक बाबा जो एक जड़ी बूटी टाइप का देते हैं वहाँ पे ले जाया गया। उनका गारंटी बोल रहे थे कि इनसे स्टोन का इलाज होता है, तो उनने कुछ दिया मेरे को जड़ी बूटी टाइप का। तो मेरा मन नहीं था सच बताऊँ, बट फिर भी घर वालों की खुशी के खातिर मैंने 1 या 2 दिन खाया होगा। दूसरे दिन मेरे को सांस लेने में अजीब सा दिक्कत होने लग गया। एक दिन मैं लेटा हूँ, मेरे को अजीब सा एक जैसे जैसा सफोकेशन टाइप का होने लग गया। मैंने कहा भाड़ में जाइए, मैं नहीं खा रहा भाई, मैं भले ऑपरेशन करा लूँगा लेकिन ये सब कुछ नहीं खाऊँगा। क्योंकि एक बंदे ने मेरे को बोला था, वही जो अल्ट्रासाउंड वाला, उसने मेरे को कहा था कि भाई किसी बाबा या ओझा के चक्कर में मत पड़िए, उस चक्कर में अंदर के और पार्ट्स ख़राब कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं साइंस के साथ जाना चाहूँगा जो मेडिकल फील्ड बोल रहा है। तो मेरे को हो गया था 13 mm का स्टोन, और 13 mm का स्टोन पिघलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। हो सकता है उनकी जो दवाइयाँ वो किसी पे काम कर रही करती है, बट मेरे पे नहीं कर रही थी। मेरे को ये पता चला मार्च 2023 को। मैं हर महीने अपना स्टोन का साइज जो है चेक कर रहा था, तो इत्तफाकन मेरे को यूट्यूब में एक डॉक्टर मिले, उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया। तो उनने मेरे को एक सजेशन दिया, वो कह रहे थे कि आपका स्टोन अगर अभी पनप रहा है, जैसा कि मैंने उनको कहा मैंने 2 साल पहले अल्ट्रासाउंड किया तब तो था नहीं, तो कह रहे 2 साल में 13 mm का स्टोन बनता नहीं है, तो अगर ऐसा हो रहा कि आपका स्टोन अभी अगर लसलसा टाइप का सैंड टाइप का है फिर तो ये पिघल सकता है। तो उन्होंने मुझे एक दवाई बताई, यूडिलिप 450, ये मैंने खाया 2 महीने तक। और मैंने अल्ट्रासाउंड 2 महीने बाद किया दूसरे लोकेशन पर, पहले वाले जगह पर नहीं, दूसरे जगह पर, तो वहाँ पर 13 mm की जगह वो 9 mm आ गया। मैं खुश,
मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ये तो कम हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने भी कहा अच्छा आपका कम हो रहा है, आप डाइट वाइट, उन्होंने बताया मेरे को स्ट्रिक्ट डाइट, फैट वैट सब कुछ कम कर दिया मैंने अपनी लाइफ में। मैं था उस टाइम पे 84 kg का, और उसके बाद मैंने जब डाइट वाइट फॉलो किया तो मैं आज की डेट में 67 kg, इतना वेट मैंने कम कर लिया अपना, बॉडी में बहुत ही कम फैट बचा हुआ है। और इन सब कम करने के चक्कर में मेरा क्या हुआ, मेरी बॉडी में डिफिशेंसी बहुत तरीके की हो गई, मैं उसके बाद उसकी दवाइयाँ अलग से खाया। खैर तो इतना कुछ हो जाने के बाद मैंने फिर उनसे बोला कि मेरा का 9mm आ चुका है, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने फिर यूडिलिप 450 की जगह यूडिलिप 300 चलवाया, तो वो मैंने खाया, वो मैंने कम से कम 4 महीने के करीब खाया होगा। फिर मैंने एक दिन 2 या 3 महीने बाद फिर से चेक किया, तो फिर यार वो 11mm आ गया। मैंने कहा यार अभी तो 9mm था, मैं सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहा हूँ, और फिर से 11mm आ गया, मैं फिर परेशान। मैंने ये बोला कि यार कुछ तो दिक्कत है। तो जब मैंने पहले जहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया था मेरे होम टाउन पे, मैं फिर आके वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पे मेरा आया 15mm। मैंने कहा यार ये क्या है, कहीं पे जो है ये 9mm दिखा रहा है, कहीं पे 15mm दिखा रहा है, कहीं पे 13mm दिखा रहा है, मैं बहुत कन्फ्यूज़। मैंने कहा या तो ये दवाई काम नहीं कर रही, या तो ये अल्ट्रासाउंड वाले मेरे को चूतिया बना रहे हैं। फिर मेरे को यूट्यूब में एक वीडियो दिखा, उन्होंने मुझे ये बोला कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि स्टोन मान लो आपका लंबा है इस तरीके का, तो अल्ट्रासाउंड मान लो आपके यहाँ से चेक कर रहा है तो हमेशा जो है उसका साइज़ कम आएगा, अगर वो ऐसे चेक कर रहा है तो उसका साइज़ बड़ा हुआ आएगा। मुझे ये बात बहुत कन्वीनियंट लगी, मैंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, इसका मतलब मैंने ये सोचा कि भाई दवाई मेरे पे काम नहीं कर रही है, मतलब ये स्टोन जो है पिघल नहीं रहा है, ये फालतू का मैं अपने जो है मन को बहलाने की रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। और फिर मैंने उस यूडिलिप के बारे में पढ़ा कि यार किसी भी अंग्रेजी दवाई है ना बहुत लंबा खाना नहीं चाहिए, मैं पिछले 6 महीने से खा रहा था, मैंने कहा पता चला यार स्टोन सही करने के चक्कर में मेरे अंदर कुछ और हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप होम्योपैथी दवाई कर रहे हो या आयुर्वेदिक ऐसा कुछ खा रहे हो जिसका लेस साइड इफेक्ट होता है। फिर मुझे क्या हुआ, मैंने कहा कि चलो ठीक है अब मैं होम्योपैथी ट्राई करता हूँ, तो मैंने होम्योपैथी दवाई भी ट्राई किया एक होम्योपैथी डॉक्टर को लेके। मतलब मजे की बात यह है कि वो जो होम्योपैथी डॉक्टर के पास मैं गया था वो खुद मेरे को कह रहा था कि यार आपका 13mm आप इसको ऑपरेट कराओ, फालतू में इस चक्कर में मत पड़ो, बट वही है दिल मानता नहीं है, तो मैंने उनकी दवाइयाँ भी खाई 2-3 महीने। अब उसके बाद ना मैं त्रास आ गया मेरे को, मैंने कहा कि बहुत हो गया, मैं उसके बाद सब कुछ सब परहेज छोड़ दिया मैंने कहा, क्योंकि मैंने बोला ना मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, हाथ पैर एकदम ऐसे ऐसे करने लग गए, मैंने कहा बहुत ज़्यादा परहेज हो गया। उसके बाद मैं दबा के खाना पीना शुरू कर दिया, खाया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑपरेशन से 1 महीना पहले मैंने सब कुछ खा रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक बार तो मेरे को लगा मेरे को शायद से मेरे को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब जब कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है तो ऐसे ही चलने दो, क्योंकि ऐसा भी आप जब पढ़ोगे ना तो आपको देखेगा अगर आपका गॉल ब्लैडर स्टोन आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा तो उसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर मुझे लगा कि यार आज नहीं तो यहाँ से 2-3 साल 4 साल बाद कभी ना कभी तो दिक्कत होगी, और अभी मेरी एज ठीक है ऑपरेशन कराने के लिए, तो फिर सब कुछ कैलकुलेट करके मैंने कहा ऑपरेट करा ही देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं जैसे मेरी सर्जरी हुई हॉस्पिटल के कुछ नज़ारे, कैसे कैसे मेरे दिन बीते वो भी मैंने शूट करके रखा हुआ था, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। यार मेरी फटी इस बात से नहीं है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मेरी फटी इस बात से है कि ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए और उसके बाद का खाना पीना क्या होगा यार ये नहीं पता। बट आई होप ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरे को एक्सपीरियंस भी है, तो ऑल द बेस्ट फॉर मी। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Ho gaya bhai, now I am an incomplete body man. Surgery ho gayi, mujhe nahi pata chala ki kitne ghante ki surgery thi, ghar wale bol rahe hain shayad se 45 minute ke kareeb laga hoga. छोटा सा पत्थर है इतना सा गॉल स्टोन, बट अल्ट्रासाउंड में हर बार ही 15mm 7mm पता नहीं क्या क्या आ रहा था। अब तो भाई ये लग रहा है कि अगर नहीं भी निकालता तो भी चल जाता, बट ठीक है निकाल दिया, कल की रिपोर्ट बढ़ता। अभी का तक का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, गले में अजीब सा लग रहा है, और जहाँ यहाँ पे यहाँ थोड़ा इधर देखो यहाँ पे जितने भी स्टीचेज हैं मुझे नहीं पता कितने आए हैं, उन सब जगह में थोड़ा दुख रहा है। बस अगर ऐसे कुछ खाया नहीं है तो कमजोरी हो रही है,
से पेन पेन वाली दवाई है। ओवरऑल अभी तक का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं है, नॉर्मल सोच पा रहा हूँ, अभी कॉन्शियस हूँ। जब एनेस्थीसिया से मैं वापस आया था तो थोड़ा झमन झमन सा लग रहा था, अभी ठीक है। माँ के सारी खैरियत पूछी सबकी, सबने पूछा, और सबसे ज़्यादा कि मैंने आपसे एक शेयर बेचा, तो आप ये समझ सकते हो कि नॉर्मल ऑपरेशन है अभी तक जो मेरे को लग रहा है। बट ये 24 घंटे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 24 घंटे नेक्स्ट 24 घंटों में जितना मैंने पढ़ा है कि कोई भी अगर सिम्टम्स आए दैट विल बी कॉशियस। तो देखते हैं। एनेस्थीसिया वाली मैडम मेरे को ये बोल रही थी कि आपकी दाढ़ी जो है डिसकलर्ड हो सकती है, बट अभी तक तो मुझे लगा नहीं। ऑलरेडी डिसकलर्ड तो होगी क्या, भूरी दाढ़ी है मेरी। भाई गॉलस्टोन की सर्जरी के बाद खाना भाई ये मिलता है, ये लिक्विड टाइप का खिचड़ी का। भाई अब तो अपनी लाइफ में वो हो गया कि इतने छेद करेंगे, डॉक्टर ने इतने छेद कर दिया कि अब साला समझ में नहीं आ रहा खाए कहाँ से और पाते कहाँ से। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्रैवलिंग टाइप के वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट।